नमस्कार। इलेक्ट्रोहोमोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बहनों और भाइयों, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब ने बहुत अधिक संख्या में सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और अपने कमेंट्स दिए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप में से कुछ श्रोता जो आज इस चैनल को पहली बार सुन रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप अपने अपने इष्ट मित्रों से, अपने सभी अन्य सदस्यों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करें, लाइक करने का अनुरोध करें और कमेंट्स देने का अनुरोध करें। हम आपके कमेंट्स पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं, मनन करते हैं और उसके हिसाब से हम अपने अगले एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। सप्ताह में एक दिन मैंने ये निर्णय लिया है कि आपके सवाल और जवाब पर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल का प्रयोग करूँगा। आपके अच्छे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, आपके विभिन्न सुझावों पर अमल किया जाएगा। और बहनों और भाइयों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए मैं जो अपना निःशुल्क क्लास ऑनलाइन रात 10 बजे अपने फेसबुक आईडी पर प्रसारित करता था, मैंने फेसबुक आईडी को अब अपने पेज में कन्वर्ट कर दिया है। हमारे पेज का नाम है डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती। आप सब डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती के पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने अच्छे कमेंट्स भेज सकते हैं। हम आपके साथ उस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 17 अप्रैल 2020 से इलेक्ट्रोहोमोपैथी के प्रचार प्रसार में मैं अपना निशुल्क समय और निशुल्क सेवा आप सब तक पहुंचा रहा हूं। आप सब ने इसको बहुत अधिक लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और अपने अच्छे सुझाव भी दिए हैं। और यह प्रचार प्रसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार के आदेशों के तहत कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी के प्रचार प्रसार, शिक्षा और प्रैक्टिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसी के अंतर्गत किया जा रहा है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी एक हर्बल चिकित्सा प्रणाली है, जैसा आप सब जानते हैं, और इस चिकित्सा प्रणाली में पूर्ण रूप से 115 पौधों से 38 औषधियों का निर्माण किया गया है। हमारे कुछ अनभिज्ञ साथी 114 पौधों की बात करते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों को नकारते हुए इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि अनेक पुस्तकों ने, अनेक शोधकों ने और अनेक इलेक्ट्रोहोमोपैथी के विद्वानों ने 115 पौधों की चर्चा हमसे पहले भी की है। जहां तक एंजाइम सिद्धांत की बात है, एंजाइम सिद्धांत 1982 से लागू है। 1982 से आज तक इसमें विभिन्न प्रकार के लेखकों ने, विभिन्न प्रकार के शोधकों ने और विभिन्न विद्वानों ने एंजाइम्स पर चर्चा भी की है, अपने पुस्तकों में एंजाइम्स को स्थान भी दिया है और अपने विभिन्न शिक्षण संस्थानों से एंजाइम्स की थियोरी को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया भी है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी औषधियाँ वनस्पतियों के कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंजाइम्स के रूप हैं और ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के एंजाइम्स के साथ मिलकर के विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को प्रेरित करती हैं और यही इनका काम हमारी कोशिकाओं को के साथ आगे बढ़ता रहता है और शरीर को निरोग करते हैं, रोगी को रोग मुक्त करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इसके पहले के चैनल में हमने आपसे सी ग्रुप की मेडिसिन पर चर्चा की थी और सी ग्रुप पर चर्चा करने से पहले हमने आपको फंक्शनल ग्रुप की मेडिसिन यानी एस ग्रुप की मेडिसिन पर चर्चा की थी और उसके तुरंत बाद हमने टिश्यू ग्रुप आरंभ किया जिसमें C6 पर चर्चा के बाद आज नंबर है C10 का। C6 के बाद 7, 8 और 9 ये कंपाउंड मेडिसिन है जिस पर हम चर्चा आपसे बाद में करेंगे। मैं आपको बता दूं बहनों और भाइयों कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी की C10 मेडिसिन यस ग्रुप के S10 मेडिसिन के पैरेलल है, या ये कहने कि उसकी ये सहायक औषधि है। जहां पर हम S10 का प्रयोग करते हैं वहां पे हमको C10 का प्रयोग अति आवश्यक हो जाता है। विषम परिस्थितियों में तो बात अलग है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हम S10 के साथ C10 को जरूर याद करते हैं क्योंकि C10 सीधे नर्व पर काम करता है। हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ये हमारे शरीर में एक जाल बनाए हुए हैं और इस प्रत्येक न्यूरॉन्स पर C10 का सीधा प्रभाव है और इसी कारण से C10 पर हमें देखते हैं कि हमारे कंधों में दर्द हो, गर्दन में लचक हो, सर का भारीपन हो, पेट में कॉन्स्टिपेशन हमारा बना हुआ है, जिद्दीपन कॉन्स्टिपेशन का दिखाई पड़ रहा है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, डिसेंट्री लगातार जारी है, हम जिद्दी पाइल्स को ठीक नहीं कर पा रहे हैं,
पाइल्स की गांठें परेशान कर रही हैं, मल पदार्थ निकलने में पेन हो रहा है, गांठें वहां पर दर्द उत्पन्न कर रही हैं, हमारे हाथ पैर के हड्डियों में दर्द हो रहा है, हमारे पैर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो जब हम अन्य औषधियों से लाभ नहीं पाते हैं तो जैसे हम सीटीएन का प्रयोग करते हैं तो तुरंत न्यूरॉन्स के माध्यम से ये जा करके विभिन्न अंगों को समायोजित कर देती हैं, उनके क्रियाओं को मोटिवेट करके प्रेरित करके वहाँ के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को होम्योस्टेटिस में ला देती हैं और हमारा वो अंग सही काम करने लगता है और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। जहाँ तक सीटीएन में पौधों को के मिलाने की बात है, सीटीएन में वही पौधे मिलाए गए हैं जो सी ग्रुप के अन्य औषधियों में है, लेकिन यहाँ पर कार्डस बेनेडिक्टस और चेलिडोनियम मैजस ये दो पौधों का मिश्रण किया गया है जो सीधे तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं। अगर हम चर्चा कर लें कि सीटीएन विशेष रूप से सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम पर, पैरासिंपैथेटिक नर्व सिस्टम पर, लीवर पर, पैंक्रियाज पर, स्टमक पर, ड्यूडोनम पर, अपेंडिक्स ग्लैंड पर, शरीर के विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों पर जो हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं, यानी जितनी भी एंडोक्रेनियल ग्लैंड होती हैं उन पर भी सीटीएन का सीधा प्रभाव है। और जब हम सीटीएन देते हैं तो किसी भी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो अपने टारगेट सेल तक जल्दी पहुंचते हैं और उनका सेक्रेशन भी समय पर होता है और ज़्यादा होता है। हमने भी देखा है कि एक विशेष प्रकार के रोग, जैसे बार बार बुखार आ रहा है और कोई दवा देते देते उसका प्रभाव कम हो रहा है, तो जैसे हम सीटीएन मिलाते हैं तो हमारे जो इंटरमीडिएट फीवर हैं या मियादी बुखार है जिसको आप टाइफाइड का नाम भी दे सकते हैं, हमने उस पर भी सीटीएन के अच्छे प्रयोग देखे हैं। बहनों और भाइयों, ये मेरा 37 वर्ष का अपना निजी अनुभव है, मैं निजी अनुभव को किसी पर थोपना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पौधों का एक करिश्मा है, पौधों के अर्क का एक करिश्मा है, एक जादू है, बस इसके देने के तरीके डोज पर हमें विचार करना होगा। हम ये देखते हैं कि सर्दी जुकाम बना हुआ है, इन्फ्लुएंजा नहीं जा रहा है, कोराइजा बना हुआ है, आँखों में कंजक्टाइबा का प्रयोग ज़्यादा पड़ रहा है, हमारे कान में झुंझुनाहट हो रही है, हमारे हाथ पैरों में ऐंठन हो रही है, पेट में हमारे दर्द मरोड़ हो रहा है, वहाँ पर हम सीटीएन का अच्छा प्रयोग कर लेते हैं। सीटीएन आमतौर से यस्टेन के साथ और यफोन के साथ मिलाकर के नाश्ते के बाद देने से हमको अशासित सफलता मिलती है, बहुत ही बेटर परिणाम दिखाई पड़ते हैं। और नाश्ते के बाद अगर हमारे पास L3 नहीं है, हालांकि L3 में L1, A3 और S2 मिलाया गया है, लेकिन अगर L3 आपके पास नहीं है तो आप L3 के L1 और A3 के स्थान पे आप केवल S2 के साथ सीटीएन को मिला देंगे और वहाँ F1 मिला देंगे तो आपको परिणाम अपेक्षाकृत अच्छे मिलेंगे। हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर जाइंडिस का जो रोगी है या पीलिया का जो रोगी है, जब हम विभिन्न सी ग्रुप के मेडिसिन और यस ग्रुप के मेडिसिन को, जो हम लीवर से संबंधित औषधियाँ जब उनको उठाते हैं और अगर वहाँ पर काम कम दिखाई पड़ा, जैसे हम वहाँ पे सीटीएन मिलाते हैं तो हमको अपेक्षित बेहतर परिणाम दिखाई पड़ते हैं। सीटीएन को हम S5, C5 और A2 के साथ मिला करके दर्द के स्थान पर, जहाँ पर दर्द होता है वहाँ पर अगर हम कंप्रेस करते हैं BE के साथ मिला करके तो हमको बेहतर परिणाम दिखाई पड़ते हैं। पाइल्स के रोगी पर अगर हम C7, सीटीएन और BE मिला करके एक कॉटन में भिगो करके उस गांठ पर या उस स्थान पर रखेंगे एनस के आसपास, तो हमको पेन में रिलीफ मिलेगी। और यस्टेन जब हम खाने में देंगे तो मल पदार्थों का निष्कासन या उसका एक्सक्रिएशन बहुत ही बेहतर परिणाम दिखाई पड़ेगा। सीटीएन एक अजीर्ण, जिसको हम कहते हैं इनडाइजेशन, अपच या क्रॉनिक डिस्पेशिया, एसिडिटी अगर ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, एसिडिटी, लोगों का गला जलता है, भूख नहीं लगती है, खाने में रुचि नहीं रहती है, लगता है कि गले में ऊपर की ओर कुछ चढ़ रहा है, यहाँ गले के आसपास उनको जलन से आग का गोला ऐसा लगता है, वहाँ पे जो हम यस्टेन के साथ सीटीएन देते हैं तो हमको बेहतर परिणाम दिखाई पड़ता है। विभिन्न प्रकार के जो सूजन हैं या कड़ेपन हैं, कहीं पर गांठ का बढ़ जाना, कड़ापन हो जाना, वहाँ पे भी हम सीटीएन का प्रयोग करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुल 38 औषधियाँ हैं, 38 औषधियों को हमने सिस्टम वाइज और ऑर्गन वाइज डिवाइड कर रखा है। तो एक फिजिशियन की हैसियत से हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का रोगी की शिकायत पर सही चयन करके, सही डोज का चयन करके जब हम देते हैं, D3 से हम दवाओं का उपयोग करते हैं तो हमको रोगी पर बेहतर परिणाम दिखाई पड़ते हैं और रोग से रोगी निजात पाता है। रोग के कारण अनेक हो सकते हैं लेकिन रोग एक ही होता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। मैंने जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में भी कहा है
कि हम किसी रोग की दवा नहीं करते, बल्कि हम अंग और उसके सिस्टम को होम्योस्टेसिस में लाने की या सम अवस्था में लाने की दवा करते हैं। और जब हम उस अंग को, उस सिस्टम को सही कर लेते हैं, तो रोग अपने आप दूर हो जाता है। तो बहनों और भाइयों, चलते चलाते मैं आपको फिर याद दिला दूं कि हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जो अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो गई है, लगातार उसकी डिमांड जारी है, और ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अभी अंडर राइटिंग है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों के बीच में एक नए तरीके से लाने का प्रयास कर रहा हूँ, चूँकि अभी तक बहुत सी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन लिखी गई हैं लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से नहीं लिखी गई हैं। तो मैं बेहतर प्रयास कर रहा हूँ कि एक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आपके बीच में एक बेहतर कलेवर के साथ आप तक पहुँचे, जिसका प्रयोग आप अच्छी तरीके से कर सकें। आप हमारे कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर को एक बार फिर नोट कर लें, 9793252355। इस पर आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, अपने रोगियों की सलाह भी ले सकते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करा के, और हमारे रोगियों के सलाह लेने की जो शुल्क है वो 200 रुपया प्रति रोगी प्रति माह है। आप पहले शुल्क जमा कर दें हमारे निर्धारित अकाउंट में और अपने रोगियों से वीडियो कॉल कराएं और हमारी सलाह लें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर नए विषय पर, नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे। लेकिन हाँ, चलते चलाते एक बार फिर बता दूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहनों और भाइयों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल दबाइए, और अपने अच्छे अच्छे सुझाव हमको जरूर भेजें। हम आपके सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया आपके द्वारा संवाद के साथ देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।